$5 trillion इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 trillion इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? मुश्किल चुनौतियों को नहीं उठाएंगे तो चलने का मिजाज कहां से बनेगा? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी हमने हमेशा ऊंचे निशान रखने चाहिए, और हमने रखा है, लेकिन वो हवा में नहीं है। मोदी के दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा सपना हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 trillion तक पहुंचाना, जिसका ऐलान 15 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया था। साल 2025 की डेडलाइन फिक्स की गई। ऐसे में आज आने वाला बजट मोदी के दूसरे कार्यकाल के सपने की एक बड़ी नींव होगी। बजट से एक दिन पहले भी राष्ट्रपति कोविंद ने भी $5 trillion की बात कही है। ऐसे में सरकार की फ्यूचर प्लानिंग इस बजट में देखने को मिल सकती है। मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को $5 trillion के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या मौजूदा हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना पूरा होगा? मोदी का 2025 का इंडिया हकीकत से कितना दूर है, ये समझने की भी जरूरत है। इस वक्त देश करीब $2.9 trillion की अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि 2025 तक $5 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सालाना GDP ग्रोथ रेट 8% होनी चाहिए, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ रेट 4.8% थी। मौजूदा वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ रेट 5% रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भी GDP ग्रोथ रेट 6 से 6.5% रहने का अनुमान है। इस हिसाब से देखें तो फिर अगले 3 साल में GDP ग्रोथ रेट का लक्ष्य सालाना 8% से भी ऊपर पहुंच जाएगा। यानी $5 trillion इकोनॉमी के सपने को पहला झटका तो GDP ग्रोथ के मोर्चे पर ही लग गया है, हालांकि सरकार अभी भी उम्मीद से है। प्राइमरी हमें एक्चुअली जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उसमें फोकस करना चाहिए। असेंबल इन इंडिया का जो हमने कहा, जिससे इसको यदि हम फॉलो करेंगे तो करीब 4 करोड़ जॉब्स एक्चुअली आ सकते हैं 2025 तक और 8 करोड़ 2030 तक। तो इसको इस मुद्दे पे बहुत केयरफुल हमने एक्चुअली सुझाव दिए हैं। सरकार अपने इरादे पर अडिग है और हालात सुधारने की उम्मीद जता रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में $5 trillion वाली इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने की राह भी दिखा रही है। सर्वे रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि अगले 3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत है। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2020 से 2025 के बीच सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 102 लाख करोड़ का निवेश करेगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा तैयार आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार को 5 साल में 4 करोड़ रोजगार देने का चाइनीज फॉर्मूला सुझाया गया है। सर्वे में कहा गया है कि मेक इन इंडिया मिशन के साथ असेंबलिंग इन इंडिया फॉर वर्ल्ड के मिशन को भी शामिल करना चाहिए, जिससे भारत के निर्यात बाजार का हिस्सा 2025 तक लगभग 3.5% तथा 2030 तक 6% तक बढ़ सकता है, और 2025 तक अच्छी सैलरी वाली 4 करोड़ और 2030 तक 8 करोड़ नौकरियां दी जा सकती हैं। आज आने वाला बजट $5 trillion इकोनॉमी की दिशा तय करेगा और ये बताएगा कि पीएम मोदी ने पिछले साल देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का जो सपना दिखाया था, उस सपने को पूरा करने को लेकर सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। आज तक ब्यूरो।